दोस्तों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हराकर 2022 का बदला ले लिया है। वहीं इंग्लैंड की इस शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और दिग्गजों ने इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाया है। दोस्तों वेस्टइंडीज के गयाना में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 171 रन बनाए थे, जिसमें रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में ही 57 रन ठोके। रोहित शर्मा के अलावा सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 23 रन बनाए और रविंद्र जडेजा ने 17 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड के सामने बड़ी चुनौती थी क्योंकि मुश्किल विकेट था और यहां पर खेलना आसान नहीं था। इसके बाद फिर क्या था, चमत्कारी गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह से लेकर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की टीम को मात्र 103 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 68 रनों से जीता है। और इस तरीके से रोहित शर्मा और उनकी टीम ने साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले की हार का बदला लिया। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की शर्मनाक हार का ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने जमकर मजाक उड़ाया है। वहीं रोहित शर्मा की जमकर तारीफ भी की है। सबसे पहले डेविड वार्नर ने कहा, मैं रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी दोनों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मुझे रोहित बहुत पसंद है, एक खिलाड़ी के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो किया है, सच में वैसा करना बड़ा ही मुश्किल है। लाजवाब कप्तानी, लाजवाब बल्लेबाजी और इंग्लैंड जैसी घमंडी टीम को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वेल डन रोहित, वेल डन टीम इंडिया। डेफिनेटली इंडिया ही T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। डेविड वार्नर के बाद मैथ्यू हेडन भी रोहित शर्मा के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा, ये अद्भुत था, रोहित जिस फॉर्म में है, जिस कदर वो टीम को लीड कर रहे हैं, ये सब एक आश्चर्यजनक कार्य है। रोहित अपनी टीम को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कप्तान इस वक्त दुनिया में और कोई भी है। इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना एक सुखद एहसास रहा है। उनका घमंड अब चकनाचूर हो गया है क्योंकि हमारी टीम की हार के बाद इंग्लैंड में जमकर मजाक बना था और जिस तरीके से टीम इंडिया ने उन्हें हराया है, वो तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। हमारी टीम ने लड़कर तो हारा। दोस्तों मैथ्यू हेडन के बाद ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि टीम इंडिया ही T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि अब किसी भी टीम में दम नहीं है कि वो भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने से रोक ले। टीम इंडिया के पास रोहित शर्मा जैसा कप्तान है, बल्लेबाज है, बुमराह जैसा गेंदबाज है, हार्दिक पांडे जैसा ऑलराउंडर है और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। जिस शर्मनाक तरीके से भारत ने इंग्लैंड को बाहर का रास्ता दिखाया है, मुझे लगता है अफ्रीका से भी वो मुकाबला जीतकर फाइनल जीतेंगे। दोस्तों माइकल क्लार्क के बाद पैट कमिंस ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने जब भी रोहित शर्मा के खिलाफ खेला है, वो एक कड़ी चुनौती ही रही है। उनकी गेम अवेयरनेस शानदार है। उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि वेस्टइंडीज में टर्न होने वाला है, इसलिए उन्होंने स्क्वाड में 4 स्पिनर लिए। रोहित एक लीजेंड है, इसमें कोई शक नहीं, और ऐसे लीजेंड को दिल से सलाम है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और दिग्गजों ने रोहित शर्मा और टीम इंडिया पर ऐसा बयान देकर सभी का दिल जीत लिया है। इसकी पूरी वीडियो की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।